वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न राजस्थान बोर्ड क्लास ट्वेल्थ लेसन, कंपलसरी इंग्लिश का लेसन है द नोबल नेचर। तो द नोबल नेचर ये एक शॉर्ट लिरिक है और इसको बेन जॉनसन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। तो सबसे पहले अपन इसको रीडिंग करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड शियर, ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फार इन मई ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लॉवर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर से लाइफ में परफेक्ट भी। तो फ्रेंड्स, ये जो पोइम है, इस पोइम के अंदर एक जो उत्तम नेचर है उसके बारे के अंदर बताया गया है कि जो मानव जीवन है उसको अपन को किस तरह से आंकना चाहिए। तो इसके लिए उसने, कवि है, इसने प्रकृति से दो ऑब्जेक्ट या वस्तुएं चुनी हैं जिनमें एक ओक ट्री है जो आकार में बड़ा होता है, जिसका जीवन काल लगभग 300 वर्ष का होता है, लेकिन वह कोई भी फ्रूटफुल उसका उपयोग नहीं होता है। और दूसरा है वो एक शॉर्ट बट वर्चुअस एंड फ्रूटफुल लाइफ है उसको इंगित करता है, और इसके अंदर लिली फ्लावर को कवि लेता है। लिली फ्लावर है वो केवल एक दिन के लिए खिलता है, लेकिन एक अमिट छाप है वो देखने वाले पर छोड़ जाता है। तो पहले ओक ट्री के बारे में बताया गया है, और दूसरी अगली जो चार लाइनें हैं उनमें लिली के फूल के बारे में बताया गया है, और अंत में कवि जीवन का निष्कर्ष बताता है कि बड़ा जीवन और आकार बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है, जीवन का आनंद एक छोटे बट अच्छे जीवन के अंदर भी पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 12वीं बोर्ड है उसके अंदर जो पोइम सेक्शन है उसके अंदर 5 पोइम है वो सम्मिलित की गई हैं, और उन 5 पोइम के अंदर जैसे पहले तो आ गई आपकी द नोबल नेचर, ए बॉयज सॉन्ग आ गई, उसके बाद में द होप आ गई, फिर उसके बाद में 7 एजेज ऑफ मैन आ गई, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है, और जो आपकी लास्ट है वो है द स्नेयर। तो ये 5 पोइम हैं, इन 5 पोइम के अंदर अपने लगभग 91 यानी 91 लाइन के अंदर ये 5 पोइम आ जाती हैं, और ये 10 नंबर का अंक भार आपका 80 नंबर में से इसमें आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर स्कोरिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो फर्स्ट लेसन है वाटर, उससे भी ये 5 पोइम है वो मिला करके बहुत ही कम समय में तैयार की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अपन लेते हैं अबाउट द पोइम। अबाउट द पोइम, बेन जॉनसन, तो लाइफ स्पान है इनका 1573 से 1637, वाज ए वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनालिटी। तो ये एक प्रभावशाली और प्रतिभाशाली साहित्यिक व्यक्तित्व थे, नोन एज ए प्लेराइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ 17वीं सेंचुरी, और इनको 17वीं शताब्दी के कवि, नाटककार, नायक और समालोचक के रूप में जाना जाता है। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, और इनको महत्वपूर्ण से जाना जाता है इनकी प्रतिभावान पारंपरिक और वास्तविक हास्य रचनाओं के लिए। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर वोलपोन, द एल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वूमेन। तो इनकी ये याद रखने वाली कॉमेडीज या हास्य कृतियां हैं। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, यहां पर इन लाइनों के अंदर इस पोइम के बारे में बताया गया है। तो नोबल नेचर है वो एक लघु गीत है जिसकी रचना बेन जॉनसन ने की है, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड ए मैसेज टू ह्यूमिनिटी, और ये
एक बड़ा मीनिंग है वो मानवता के लिए पहुंचाता है, दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हमें कार्यों के अंदर जीना चाहिए न कि वर्षों के अंदर। द पोइम कॉन्ट्रास्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विथ ए शॉर्ट लाइफ फुल होप हीरोइक एंड वर्चुअस डीड बाय ड्राइविंग टू सिंबल फ्रॉम नेचर। तो ये कविता है वो एक अर्थविहीन और अप्रभावशाली जीवन व दूसरा लघु छोटा जीवन लेकिन बहादुरी के कार्यों सहित जो जीवन है उनके बीच में विभेद उत्पन्न करती है, और इसके लिए कवि प्रकृति से दो विकल्प लेता है जिसके अंदर एक ओक या बलूत का पेड़ है और दूसरा लीली का पेड़ है। जॉनसन वाइडली डिसमिनेट दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स, और जॉनसन है वो यहाँ विस्तृत रूप से इस बात को फैलाना चाहते हैं कि मानव जीवन है उसको वर्षों में नहीं मापना चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, लेकिन इसको उपलब्धियों के अनुसार मापना चाहिए, एंड नोबल एक्ट्स और भद्र कार्यों के अनुसार, दैट लिव इम्प्रिंट्स ऑन द वेस्ट इटर्निटी ऑफ टाइम, जो कि समय के अनुसार एक बड़ी छाप है वो अपनी छोड़ते हैं। नाउ स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट ए ह्यूमन बीइंग ग्रो लाइक ए ट्री, यानी एक पेड़ की तरह वृद्धि करना है वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है। इन बल्क यानी इन ए बिग साइज, डू नॉट मेक मैन बेटर बी, और ये सब चीजें हैं यानी आकार में ज्यादा वृद्धि कर लेना ये व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, अब यहां पर ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, जैसे एक ओक या बलूत का पेड़ है वो खड़ा रहता है एक लंबे समय के लिए 300 ईयर्स, एंड द लाइफ स्पान ऑफ ओक ट्री इज 300 ईयर्स, इसका जो लाइफ स्पान है वो 300 वर्षों का होता है। टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट, और एट लास्ट द ओक ट्री फॉल डाउन लाइक ए लॉग, वह एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है, ड्राई सूखा बेल्ड विदाउट लीव्स बिना पत्तियों के, एंड शियर और मुरझाया हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो पहली स्टेंजा है उसके अंदर एक मीनिंगलेस बट लॉन्ग लाइफ उसके बारे में बताया गया है कि बड़ा जीवन लेकिन उसको अर्थविहीन हो, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, और इसके लिए जो नेचर का सिंबल पोइट है उसने ओक या बलूत का पेड़ लिया है जो आकार में बहुत बड़ा होता है, 300 वर्ष तक उसका जीवन काल होता है, लेकिन अंत में वो बिना किसी पत्तियों के और सूखा और लट्ठे के रूप में गिर जाता है। अब सेकंड स्टेंजा लेते हैं, ए लीली ऑफ ए डे, तो ए लीली यहां लीली रिप्रेजेंट लीली फ्लावर विच लाइफ स्पान इज ओनली वन डे, तो ए लीली ऑफ ए डे, ए लीली फ्लावर ऑफ ए डे या ए लीली फ्लावर ऑफ वन डे, एक दिन का जो लीली का फूल है इज फेरियर फार इन मई, फेरियर यानी वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल इन मई यानी इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु के अंदर जो लीली का फूल है वो बहुत ही सुंदर होता है। Although it fall and die that night, यानी लिली फ्लावर फॉल एंड डाई दैट नाइट, यानी लिली का फूल है वो उसी दिन गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट दैट नाइट, यानी वन डे फ्लावर हो गया तो इट डाइड दैट डे व्हेन इट ब्लूम्स, जब ये खिलता है तो उसी दिन ये मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, तो लिली फ्लावर गिव्स ब्यूटी एंड जो टू द बीहोल्डर्स, तो लिली फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, सो इट इज कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट,
तो इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसीलिए इसको प्रकाश का फूल व पौधा है कहा जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, इन स्मॉल प्रोपोर्शन छोटे छोटे आकारों के अंदर वी जस्ट सी ब्यूटी सी, तो हम जो सुंदरताएं हैं उनको छोटे छोटे आकार में देखना चाहिए। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, एंड और इन शॉर्ट मेजर्स यानी छोटे मापने के अंदर भी लाइफ में परफेक्ट भी जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो पोइम है इसके अंदर बेन जॉनसन है वो मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस जो लाइफ है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट किया गया है यानी विभेद किया गया है, और मीनिंगलेस लाइफ के लिए बेन जॉनसन टेक्स ओक ट्री विच लाइफ स्पान इज 300 ईयर्स, ओक साइज इज वेरी बिग बट इट इज फ्लावर एंड फ्रूटलेस, यह फूल और फल विहीन होता है, और इन द एंड इट लाई लाइक ए लॉग बेयर एंड बेल्ट, और अंत में यह एक लट्ठे के समान गिर जाता है। ऑन द अदर हैंड द पोइट टेक्स मीनिंगफुल एंड इम्प्रेसिव शॉर्ट लाइफ, और इसके लिए कवि है वो टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर ए लिली फ्लावर विच लाइफ स्पान इज ओनली वन डे, इट हैज मोर ब्यूटी एंड इट गिव्स जो टू द बीहोल्डर्स, ये जो देखने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा सुंदरता है वो प्रदान और खुशी प्रदान करता है। फ्रेंड्स अपन क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड ईच, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। तो बेन जॉनसन है वो प्रकृति से कौन कौन से प्रतीक लेता है, एक तो ओक ट्री लेता है और लिली फ्लावर लेता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर। आप इतना भी कर सकते हो या फिर इसमें यह भी कह सकते हो एन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स एंड ए लिली फ्लावर ऑफ वन डे, ये ऐसा भी आप आंसर कर सकते हो। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, एक ब्लूथ का जो पेड़ है उसमें कौन कौन से गुण आते हैं, तो उसके अंदर एक तो आकार में बड़ा होता है, एक 300 साल उसकी उम्र होती है, और वह अंत में मतलब सूख करके गिर जाता है, उसके कोई फूल और पुष्प नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्रीज, तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्रीज आर, नंबर एक इट इज इन बिग साइज, इट्स लाइफ स्पान इज वेरी लॉन्ग 300 ईयर्स, इट गिव्स नो फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो ये इसका आंसर हो गया। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, तो ए लिली ऑफ ए डे हैज वेरी ब्यूटी, इट गिव्स जो टू द बिहोल्डर्स। अगला आएगा हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट बाई वर्चुअस एंड मीनिंगफुल डीड्स या वर्चुअस एंड हीरोइक डीड्स, उनके द्वारा मानव जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।